डॉक्टर आपका परिचय दीजिएगा। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर अंजू बाजोरिया है, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरी क्लिनिक सिस्टीन दृष्टि न्यू बाराद्वारी में है। मैडम हम लोग देख रहे हैं जमशेदपुर का इस बार तापमान रिकॉर्ड तोड़ है, 44-45 डिग्री है। ऐसे में गर्भवती महिलाएं काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाती है कि क्या खाए, कैसे रहे, बेसिकली उनके लाइफस्टाइल में काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस गर्मी से ऐसा क्या हम लोग बच के काम करें ताकि माँ भी सुरक्षित रहे और बच्चे भी सुरक्षित रहे। ये बात आप बहुत सही बोल रहे हैं कि उल्टियाँ तो ऐसे भी प्रेगनेंसी में होती है और गर्मी में और ज़्यादा, तो उन्हें अपने लिए बहुत ज़्यादा सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी। मेरी ये एडवाइस है कि खाना वो जिसे कहते हैं ना लाइट फूड, जो ज़्यादा मिर्च मसाले का नहीं हो और फ्रेश कुक्ड खाना हो, रखा हुआ खाना नहीं हो, और अपने खाने में फ्रूट्स एंड शरबत या मट्ठा, हम लोग घर में बेल का शरबत, मट्ठा और फ्रूट जूसेस, लेकिन वो जूस बाहर का नहीं, घर का बनाया हुआ, इसको शामिल करें। और ज़रूरत नहीं है तो बाहर गर्मी में नहीं निकले, और टाइमली वो नहाएं और पानी दिन भर अच्छे से पीते रहें। साथ में अगर बहुत ज़्यादा कमजोरी उन्हें महसूस हो तो इलेक्ट्रोल पाउडर का घोल, और इलेक्ट्रोल पाउडर के लिए मैं ये कहूँगी कि उसमें एडवाइस रहती है कि आपको 1 लीटर में घोलना है, कि ऐसा ना करें वो 1 चम्मच 1 ग्लास में घोल के पिए, वो प्रपोर्शनेट बनाएंगे और उसको पीती रहे, और गर्मी में अगर आवश्यक नहीं है तो नहीं निकले, तो इससे उनकी गर्मी की काफ़ी बचावट हो, और जैसे ही अगर उल्टी हो तो तुरंत डॉक्टरी एडवाइस लें। मैडम ऐसे में गर्भवती में लोगों की मूड स्विंग्स काफ़ी होती है, ऐसे में लोग काफ़ी चटकदार मसालेदार खाना की डिमांड करती है, तो क्या खाना चाहिए कि अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए? गर्मी में अगर उसकी बॉडी डिमांड करती है, क्या होता है, अगर आपका बॉडी डिमांड कर रहा है तो आप खा सकते हो, लेकिन फिर मैं यही कहूँगी कि आप होटल का या बाहर का ना खाएं, घर का कुक्ड फूड खाएं और फ्रेश खाना खाएं, और अगर मिर्च मसाला अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहे।